ये अररिया का फॉरबिसगंज अस्पताल है, जहां पर मरीज की मौत के बाद परिजन आपा खो दिए हैं और डॉक्टर की कुटाई पिटाई शुरू कर दी है। अस्पताल में अफरा तफरी का आलम है। वैसे इस अस्पताल का मौत का अस्पताल भी कहते हैं, जहां से बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उधर अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि मरीज की हालत काफ़ी गंभीर थी, उनका इलाज किया गया लेकिन वो बच नहीं सकी, जिस कारण परिजन भड़क उठे और नाराज़गी जाहिर करते हुए परिजनों ने हंगामा किया है। अस्पताल के स्टाफ के साथ लोगों ने मारपीट की है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि अररिया ज़िले में सदर अस्पताल के बाद सबसे बड़ा ये अस्पताल है, लेकिन व्यवस्था चौपट होने से इलाज के अभाव में मरीजों की हालत बिगड़ने की खबरें बार बार आती हैं, जिसका खामियाजा स्वास्थ्य कर्मियों को भुगतना पड़ता है। मरीज काफ़ी गंभीर अवस्था में आई थी, लेडी थी 55 साल की उम्र की, तो उसका पल्स बीपी तो बहुत ही कम था, पल्स तो मिला ही नहीं, ऑक्सीजन भी बहुत कम था, मतलब बिल्कुल गास्पिंग कंडीशन में पेशेंट आया, बहुत ही सीरियस कार्डियो, समझिए कि वो कार्डियक फेलियर में जा चुकी थी पेशेंट। उसके बावजूद भी हमारे जो उपस्थित डॉक्टर थे, ऑन ड्यूटी डॉक्टर, उन्होंने हर जो मुमकिन दवाई होती है, इमरजेंसी मेडिसिन, वो सब कुछ लगाया, उन्होंने कार्डियक पंप भी करा, सारे स्टाफ सब वहीं मौजूद तैनात, मेडिकल असिस्टेंस जो दिया जा सकता था संभव वो दिया गया, उसके बावजूद भी मरीज़ की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद राष्ट्रवादी जो मरीज़ का बेटा था, उसने कर्मियों को बहुत ही बेरहमी से मारा, काफ़ी चोटें भी हैं, एक हमारा स्टाफ फोर्थ ग्रेड वो तो एडमिट भी है हमारे हॉस्पिटल में, इलाज उनका चल रहा है। थे डॉक्टर NL दास जो ड्यूटी पे थे, उनको भी मार पड़ी, उनका कॉलर वगैरह सब फाड़ दिया और काफ़ी चोटें हैं, हाथ में भी चोट है। और कर्मी में है विनोद पासवान और अजय पासवान, जिसमें विनोद पासवान ज़्यादा चोट खाए हैं। बताया जा रहा है कि आपका भागे क्या, वो थे ही नहीं। FIR वगैरह की कार्रवाई हो रही है? FIR हो जी।